पेशाब का कतरा कतरा आना, कपड़े नापाक हो जाना, जल्द फारिग हो जाना, सूरत इंजाल, जरियान, टाइमिंग का कम होना। मैं हूं आपका होस्ट शिविर सामटिया और आप देख रहे हैं कंप्लीट हेल्दी टिप्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मर्द मर्दाना ताकत की वजह से जाना जाता है, पहचाना जाता है। जिन्स के इतबार से मर्द है या औरत है। जो तीसरी किस्म है वो तीसरी किस्म ना औरत में शुमार होती है ना मर्द में शुमार होती है। तो मर्द जिसमें मर्दाना ताकत है, जिन्सी ताकत है, उसके साथ लोग लड़की ब्याह देते हैं, अपने घर से अपनी पाली हुई बेटी को, पोसी हुई बेटी को उसके साथ रवाना रुख्सत कर देते हैं, उसके साथ उसकी शादी कर देते हैं, निकाह कर देते हैं, ट्रांसजेंडर यानी दूसरे के साथ कोई अपनी बेटी नहीं भेजता, कोई अपनी बेटी की शादी नहीं करता। क्यों? वो हमारे जैसा इंसान है, हमारी तरह उसके हाथ हैं, आँख हैं, नाक हैं, पाँव हैं, जिस्म है, लेकिन क्या वजह? उसमें सिर्फ और सिर्फ मर्दाना ताकत नहीं होती या जिनाना ताकत नहीं होती। जिनसी अज़ा जो है ना वो उसके वो वीक होते हैं, न होने के बराबर होते हैं। इस वजह से उसके साथ ना कोई मर्द शादी करता है ना ही कोई औरत शादी करती है। तो मर्द मर्दाना ताकत की वजह से जाना जाता है। लोग कहते हैं कि आप इस टॉपिक को बुजुर्ग होकर क्यों छेड़ते हैं, ये मर्द होने के लिए ज़रूरी है, वरना जब शिनाख्ती कार्ड बढ़ता है उस पर तीसरी किस्म लिखी जाती है, मजबूरी। ठीक है, उसको अल्लाह ताला ने बनाया है, अल्लाह ताला हमें भी बना सकता था, लेकिन आप खुशकिस्मत हैं, दुनिया के खुशकिस्मत तीन इंसानों में शुमार हैं कि आपको अल्लाह ताला ने मर्द या औरत की सिंफ में पैदा किया है। तो मर्द का बार बार पेशाब आना, मर्द को पेशाब के कतरे आना, ये अक्सर मर्दों में प्रॉब्लम पाया जाता है, या मखसूस मर्दाना कुव्वत की कमी, टाइमिंग की कमी, रखते ही फारिग हो जाना, या इंतशार कम होना, जरियान, कमज़ोरी, ये सारे मसाइल मर्दाना जिन्सी कुव्वत के हैं। इनको कवर पाने के लिए ज़रूरी है, वरना औरत आपसे सेटिस्फाई नहीं होती, वो दूसरी तरफ मुंह मारती है, फिर जुर्म औरत की तरफ लगाते हैं, हालांकि जुर्म आपका होता है कि आपने अपनी ट्रीटमेंट नहीं की, आपके अंदर कमज़ोरी थी, आपने अपना इलाज नहीं किया। तो उस हवाले से पहली तो बात यह है कि एक प्रॉब्लम है कतरे आना, बार बार पेशाब आना, पहले इसको डिस्कस करते हैं। कतरे आना, पेशाब आना, इसके लिए आप पीपल की छाल लेंगे, छाल का वो हिस्सा जो उभरा हुआ होता है, पीपल के दरख्त को देखें, उसकी छाल देखें, छाल का वो हिस्सा जो उभर कर यूं हुआ होता है, सेट उखड़ने वाला होता है, उस हिस्से को ले, उसको सफूफ बना लें, कुछ करके उसको सफूफ बना लें, सफूफ बनाकर उसको कपड़ छान कर लें, बारीक कपड़े से, इस तरह के बारीक कपड़े से उसको छान लें, वो थोड़ा सा निकलेगा। उसको छानने के बाद 1 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ या गाय के दूध के साथ लेना है, मुतवातर लेना है। ये आपके बार बार पेशाब आने का प्रॉब्लम, जिनको पेशाब ज़्यादा आता है या पेशाब के करने के बाद उठकर चलते हैं तो उस वक्त 2-4 कतरे गिर जाते हैं, कपड़े नापाक हो जाते हैं, ये उसके लिए इनका इलाजवाब। इसी तरह मखसूस मर्दाना जिन्सी कमज़ोरी के लिए पीपल के दरख्त के पास जाएंगे, उसकी फूल तोड़ेंगे, शाखें तोड़ेंगे, पत्ते तोड़ेंगे, वहाँ से एक ख़ास किस्म का दूध निकलता है, उस दूध को बिस्कट पे डालना है, बिस्कट पे डाल के वो खा लें, ऊपर 1 गिलास दूध का पी लें, 1 गिलास दूध का पी लें, ये रोज़ाना आपने करना है तकरीबन 14 दिन, तो इससे इंशाअल्लाह ताला आपकी जिन्सी कुव्वत बढ़ जाएगी, मर्दाना कुव्वत में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। अगर ये भी नहीं हो सकता आपसे, होता है ना कि हम रोज़ाना नहीं जा सकते वहाँ, तो इसका एक और हल है, पीपल के दरख्त पर अब कुछ देर बाद फल आने वाला है, पीपल के दरख्त पर जब फल आता है, पकता है,
फल पककर नीचे गिरता है, जब वो पककर नीचे कुछ गिरा हुआ हो तो साफ जगह पर कपड़ा बिछा देना, उस जगह पे साफ बीज इकट्ठा कर लेना, उसको छऊ में खुश्क कर लेना। खुश्क करने के बाद उसका सफूफ बना लेना, पाउडर बना लेना। वो पाउडर 1 ग्राम सुबह शाम गाय के दूध के साथ या खालिस दूध के साथ लेना है आपने, वो लेना है कमोबेश 21 दिन, तो इंशाल्लाह ताला आपके कतरे आने का प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा, जिंसी कमज़ोरी का मसला भी हल हो जाएगा। और ऐसे लोग जिनका जो है स्पर्म कम है, ये उसके लिए भी इंतहाई लाजवाब है। ऐसे लोग जो जिंसी कमज़ोरी का शिकार हैं, मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हैं, या उनकी औलाद नहीं हो रही, उसके लिए ये ज़बरदस्त है। तो आज का ये टॉपिक जिसमें जरियान हो गया, कमज़ोरी हो गई, जिंसी कमज़ोरी हो गई, इंतशार की कमी हो गई, ये उस तमाम के लिए बहुत ज़बरदस्त है। और पेशाब के कतरे आना, पेशाब ज़्यादा आना, ये उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। पेशाब ज़्यादा आना ये शुगर की वजह से भी हो सकता है, किडनी की ख़राबी की वजह से भी हो सकता है। अगर आपके गुर्दे भी ठीक हैं और शुगर भी नहीं है, तब ये नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है पेशाब के बार बार ज़्यादा आने के लिए। अगर आपके गुर्दे भी ठीक हैं और आपको किडनी भी ठीक है, गुर्दे भी ठीक हैं और शुगर भी नहीं है, तब ये नुस्खा आपके लिए बहुत मुफीद है। मुझे उम्मीद है कि आप इससे खुद भी फ़ायदा उठाएंगे और दूसरे दोस्तों को भी बताएंगे जो शादीशुदा लोग हैं, जिनको जिंसी मसाइले, शर्म के मारे बेचारे बताते नहीं, औरत से बार बार शर्मिंदा होते हैं, दोस्तों को नहीं बताते, दोस्तों से बताते हुए शर्म महसूस करते हैं कि क्या कहेंगे कि ये मर्दाना ताकत इसकी ज़ीरो हो चुकी है। दोस्तों ये आपके मर्द होने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर ये ताकत हो, आप इस ताकत से भरपूर हों। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। जिसकी मर्दाना कमज़ोरी है, उसकी औलाद नहीं होगी, उसकी बीवी उससे सेटिस्फाई नहीं होगी, बीवी दूसरी तरफ मुँह मारेगी, फिर आप कहेंगे कि औरत गलत है। औरत गलत नहीं है, आप गलत हैं, आपने अपनी ट्रीटमेंट नहीं की, क्यों शर्म करके छुपाया हुआ है मसले को? मसले को छुपाओ नहीं, उसका इलाज करो, डॉक्टर के पास जाओ, हकीम के मुस्तनद हकीम के पास जाओ। या ये जो टिप्स मैंने बताए हैं ये इंतहाई लाजवाब है और कोई खर्चा नहीं आता। आप कहते हैं जी वो हकीम डॉक्टर जो लूट लेते हैं, वो जाते हैं बहुत सारे पैसे ले लेते हैं, यार इसमें आपसे मैंने क्या पैसे लिए हैं? मैंने आपको ऐसी टिप्स बताई हैं जो बेज़रर और लाजवाब किस्म की है। मुझे उम्मीद है कि आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।